I take the opportunity to announce that a new series of basic English grammar has begun. It will be mixed with intermediate level English grammar and then advanced level English grammar. I hope you will like it. नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार भगत इंग्लिश प्लेनेट पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये ग्रामर का सबसे बेसिक पोर्शन है जो हम टेंसेस कहते हैं। आइए हम देखते हैं। आपको पता होगा कि काल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो अभी काल या समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और जो आने वाला समय है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक काल के चार प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और इसको यूज करते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से बाकी दो कालों में भी चार चार प्रकार से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये समय के ऊपर निर्धारित करता है, समय के ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा बनेगा। आइए हम देखते हैं। एक दूसरी चीज जो हमें ध्यान देने की है कि जो भी हम वाक्य बनाएंगे या जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में, उसको मुख्य रूप से तीन तरीके से हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला वाला अफर्मेटिव है, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी कि सकारात्मक। जो कुछ भी हाँ में उत्तर हो उसे सकारात्मक कहते हैं, जो ना में उत्तर हो उसको नेगेटिव कहते हैं, यानी नकारात्मक है। जैसे मैं नहीं जाऊंगा का मतलब हो गया नकारात्मक, आई विल नॉट गो इज नेगेटिव। और उसी तरह से तीसरा है इंट्रोगेटिव, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो, तो ये इंट्रोगेटिव होता है। तो अभी हम सबसे पहले केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो टेबल हमने आपके सामने रखा है ये प्रेजेंट सिंपल है। इसमें दुनिया का सबसे सिंपल वाक्य आपके सामने है, दुनिया का सबसे सिंपल अंग्रेजी में बनने वाला वाक्य आपके सामने है, जिसमें पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। तो सब्जेक्ट हम देखते हैं, जैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं, आपने देखा कि पहला है आई गो, जिसका अर्थ हिंदी में हो जाता है मैं जाता हूं। लड़की रहेगी तो कहेगी कि मैं जाती हूं, है ना, दे कम, वे आते हैं। उसी तरह से दीज डांस, ही गोज, शी कम्स, दैट डांसेस। अब दैट जो है निर्जीव चीज है, अब डांस करता है वो निर्जीव चीज कैसे डांस करता है, तो यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं कि कभी लट्टू हुआ या पतंग हुआ, है ना, तो ये सब चीज अगर हवा में उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नाच रहे हो हवा में, उसको हम कह सकते हैं कि वो नाच रहा है। तो उस केस में हम ये बनाएंगे। अगला टेबल है पास्ट सिंपल, उसी का भूतकाल है, यानी कि जो समय बीत गया उसमें हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती हैं। तो इसमें भी ये भी दुनिया का सबसे सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो शब्द केवल यूज होते हैं, एक शब्द से कोई भी वाक्य नहीं बनता है डियर्स, तो कम से कम दो शब्द होने चाहिए। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है जिसे पास्ट सिंपल कहते हैं। यहाँ पर वही जो वर्ब है जो प्रेजेंट काल में था, यहाँ पर भूतकाल में आ गया। तो गो, वेंट, गॉन, ये जो टेबल आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का, इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का। तो ये हो गया वेंट, केम, डांस्ड, वेंट। तो ये जो भी चीजें हैं दोबारा से बनाएंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं किसी तरह से इसमें भी जो सेंटेंसेस बनाई गई हैं, आई वेंट का मतलब मैं गया, या लड़की है तो बोलेगी मैं गई, दे केम, वे आए, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो वे आए। अगला टेबल जो आपके सामने है ये फ्यूचर सिंपल का है, इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है और तो फिर वर्ब फॉलो करता है। वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हम लोग अलग एपिसोड में देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, उसको कब यूज किया जाता है, उसका क्या महत्व है सेंटेंसेस बनाने में। तो अभी हम ध्यान देते हैं केवल फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। तो जैसे पहला वाला वाक्य आपके सामने है, I shall go, they will come, these will dance, he will jump, she will eat, that will sleep। इसी का हिंदी रूपांतरण है जो आपके सामने है, बगल में दिया हुआ। I shall go का मतलब होगा कि मैं जाऊंगा, they will come, वे लोग आएंगे, ये लोग नाचेंगे, वगैरह वगैरह। आप अगर पहली बार ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है
कि इसको एक टेबल के रूप में बनाए। और वर्ब्स जो क्रिया है, ये तो आप भी बहुत सारा जानते हैं, उठना, बैठना, सोना, नाचना, दौड़ना, गिरना, तो ये सब वर्ब को इंग्लिश में आप इस वाले टेबल पे थर्ड वाले वर्ब की जगह पर आप भर के और ये सेंटेंसेस वगैरह बनाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते ही करते आपको समझ में आएगी बात, ये परफेक्ट होना शुरू हुआ। अगला टेबल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब जो क्रिया लगातार हो रही है, इसमें कोई क्रिया के होने का बोध होता है और होने के बोध में अंग्रेजी में वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब लगा है वर्ब के आगे आईएनजी लगाया गया है। तो जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, दे आर कमिंग, वे लोग आ रहे हैं, दीज आर डांसिंग, ये लोग नाच रहे हैं, ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है, शी इज ईटिंग, वह खा रही है, दैट इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर जितना भी टेबल में वर्ब्स दिए गए हैं आप अपने मन से भी इसमें बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और नए नए सेंटेंसेस को बना करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगला टेबल आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। यहाँ पर भूतकाल का बोध होता है, तो जहाँ इज, एम, आर था, यहाँ पर वाज का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो एक वचन के साथ जो है वाज का प्रयोग होता है, जैसे आई वाज गोइंग, और बहुवचन है जैसे वी, दे, दीज, दोज, मतलब हम लोग, वे लोग, वो लोग, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो वी वेयर गोइंग, वी वेयर डांसिंग, दीज वेयर स्लीपिंग, दोज वेयर रनिंग, तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, दे वेयर गोइंग, दे वेयर कमिंग, वे लोग आ रहे थे, दीज वेयर डांसिंग, ये लोग नाच रहे थे, ही वॉज जंपिंग, वह कूद रहा था, शी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी, दैट वॉज स्लीपिंग, वह निर्जीव चीज जो भी है वह सो रहा था। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और ये कुछ उदाहरण मैंने दिया और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ब को जोड़ के आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भविष्य की बातें होती हैं। इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी हो जाता है। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। कभी कभी हम विल के आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं और शैल शैल का भी प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली जो है आमतौर पर आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग विशेष परिस्थिति में किया जाता है, जब कि आई जो मैं हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं और उस पर फोर्स दे के बोलूंगा, तब शैल की जगह पर विल बोलूंगा। उसी तरह से ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, जितना भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉलम में, इसमें भी विल बी का नॉर्मली प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ शैल का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन शैल का प्रयोग तभी हम करते हैं जबकि किसी चीज को फोर्सफुली दूसरे के सामने कहा जाए। जैसे वी शैल बी गोइंग, मतलब हम पक्का जाएंगे, निश्चित है कि हम जाएंगे। यू शैल बी ड्रिंकिंग, मतलब तुम पानी पी रहे होगे। तो ये तुमको करने के चीज के ऊपर जब जोर दिया जाता है तो उसमें शैल का प्रयोग किया जाता है। आशा है कि ये दोनों डिफरेंसेस आपके समझ में आई होंगी। अगला टेबल जो आपके सामने है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, यानी जो काम तुरंत तुरंत खत्म हुआ हो। माइंड इट, जो काम तुरंत खत्म हुआ हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का मतलब पक्का हो जाना। तो इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आई या वी के साथ हैव लगता है, आई वे दिस दिस दोज के साथ हैव लगता है, और ही शी इट दिस दैट के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, शी हैज जंप्ड, तो इस तरह से अंग्रेजी के वाक्य बनते हैं। और आपके सामने ये देखिए कि कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। I have gone, मैं जा चुका हूँ, they have come, वे आ चुके हैं, these have danced, ये नाच चुके हैं, he has jumped, वह कूद चुका है, she has eaten, वह खा चुकी है, she has, that has slept, वह निर्जीव चीज सो चुका है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनता है। आपको फिर मैं कहूंगा इसी तरह से और भी वर्ब्स जोड़ करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए
और रिपीटेडली कीजिए। आज आपके समझ में बात आ गई। अगर आपको कभी भी लगे कि कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और कोशिश कीजिए कि इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से हमारे दिमाग पे उसका बहुत ही गहरा छाप पड़ता है। अगला टेबल जो आपके सामने है वह पास्ट परफेक्ट का है। इसमें भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा भूतकाल में, हैव हैज को हैड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितने भी वर्ब्स हैं सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। दे हैड कम, वे आ चुके थे। दीज हैड डांस्ड, ये लोग नाच चुके थे। ही हैड जम्प्ड, वह कूद चुका था। शी हैड ईटन, वह खा चुकी थी। दैट हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। यहाँ पर यह बोध होता है कि वो काम खत्म हो चुका है। अगला टेबल जो है ये फ्यूचर परफेक्ट का है। इसमें जो है भविष्य काल की बात बताई जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो कि भविष्य के बारे में बताता है। तो जहां पर हैज या हैड का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर शैल हैव विल हैव का प्रयोग होगा। तो हम वाक्य देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने है। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। दे विल हैव कम, वे लोग आ चुके होंगे। दीज हैव डांस्ड, ये नाच चुके होंगे। ही विल हैव जम्प्ड, वह कूद चुका होगा। शी विल हैव ईटन, वह खा चुकी होगी। और लास्ट वाला जो सेंटेंस आपके सामने बनाया है, दैट विल हैव स्लेप्ट, तो यह सो चुका होगा। अगला टेबल जो है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यानी वो क्रिया जो चल रही है, चलती रही है और कब तक खत्म होगी, इसके बारे में कुछ जानकारी ऐसे वाक्य से नहीं मिलता है। हम देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर हैव बीन और हैज बीन हो जाता है। वाक्य देखते हैं, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। दे हैव बीन कमिंग, वे लोग आते रहे हैं। दीज हैव बीन डांसिंग, ये लोग नाचते रहे हैं। ही हैज बीन जंपिंग, वह कूदता रहा है। शी हैज बीन ईटिंग, वह खाती रही है। दैट हैज बीन स्लीपिंग, वह सोता रहा है। ये टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। आते रहे हैं, यहां पर भी वे लोग नाचते रहे हैं। अगला टेबल जो आपके सामने है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जो बात बीत चुकी है भूतकाल की बात है, लेकिन वो क्रिया चलती रही है। इसमें वाक्य क्या बनता है हम देखते हैं। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होता है जो डिसाइड करता है कि वो पास्ट टेंस है या कौन से काल की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस में यहां पर जो हैव बीन है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक वाक्य का श्रृंखला बनाता है। आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। दे हैड बीन कमिंग, वे लोग आते रहे थे। दिस हैड बीन डांसिंग, ये नाचते रहे थे। ही हैड बीन जंपिंग, वह कूदता रहा था। शी हैड बीन ईटिंग, वह खाती रही थी। दे हैड बीन स्लीपिंग, वह जो निर्जीव चीज है वह सोता रहा था। तो इस तरह से आप और भी वर्ब्स को ऐड कीजिए और इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। और लास्ट है इस टेबल में, इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग करता है और हैव बीन का प्रयोग करता है। तो इससे जो वाक्य बनते हैं वो बनता है, आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा होऊंगा। वे लोग जाते रहे होंगे। दे विल हैव बीन कमिंग, वे लोग आते रहे होंगे। दीज विल हैव बीन डांसिंग, ये लोग नाचते रहे होंगे। ही विल हैव बीन जंपिंग, वह कूदता रहा होगा। शी विल हैव बीन ईटिंग, वह खाती रही होगी। लास्ट में है, दैट विल हैव बीन स्लीपिंग, वह निर्जीव चीज सोता रहा होगा। इस तरह से जो हमने अभी 12 टेबल देखे, इसमें आप वर्ब्स को चेंज करके अलग अलग प्रकार से वर्ब्स को लिखिए और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे पूरा विश्वास है मुझे कि आप जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं काल के, समय के, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आने वाले भी एपिसोड में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा। ये हमने ग्रामर को 3 बेसिक पार्ट में बांटा है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। तो बेसिक वाले में ये एलिमेंट्री नॉलेज है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है या छोटे क्लासेस में हैं, तो इसको देख करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनका बेसिक ग्रामर यानी टेंसेस का जो प्रारूप है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम एडवांस्ड रूप में देखेंगे, इंटरमीडिएट में हम देखेंगे कि इसमें हम प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज करते हैं या ग्रामर के दूसरे दूसरे पार्ट्स के साथ सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं।
और एडवांस्ड वाले में हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से जो अंग्रेजी की जो चीजें होती हैं उसको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स हम क्लियर करेंगे, फिर इंटरमीडिएट की चीजों को क्लियर करेंगे और फिर तब हम लास्ट में एडवांस्ड में जाएंगे। तो दोस्तों बीच में मैं बेसिक भी करूंगा, कभी कभी इंटरमीडिएट चीजें भी देता रहूंगा, ताकि दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को इसका लाभ लगातार मिल सके। और जो साथ में आपने देखा होगा हमारे चैनल पे वोकैबुलरी की बहुत अच्छी लिस्ट है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कभी कभी बड़े लिस्ट में भी मैंने दे रखा है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वर्ड्स जो हैं आपके सामर्थ्य को बढ़ाती है, आपकी क्षमता को एक्सप्लेन करने के लिए अवसर देती है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। केवल सुनने से नहीं होगा, उसको आप लिखिए, लिख करके अपने दिमाग में बहुत अच्छे से अर्थ के साथ बिठाइए और कोशिश कीजिए कि उसको प्रयोग करें, लिखने में भी और बोलने में भी। जब आप बोलना भी सीख जाएंगे तो, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप बोलना भी सीखेंगे, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से आपको मैं स्पोकन इंग्लिश की भी बहुत सारी क्लासेस लूंगा, जिससे कि आप बोलना भी सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाइए, और मैं कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।